हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा टॉपिक है हमारा? आइसोमेट्रिक्स है, ऑर्थोग्राफिक किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आईटीआई पॉलिटेक्निक, ये दोनों में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अधिक नंबर के होते हैं। आईटीआई में क्या है कि अब प्रैक्टिकल में ऐड हो गया है, तो अब लोग बना लेते होंगे, वो हमको पता है बना लेते होंगे, लेकिन जो पॉलिटेक्निक में है तो उनको ये जानना जरूरी है कि आइसोमेट्रिक्स ऑर्थोग्राफिक किस तरीके से बनाते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं या बहुत ही हार्ड होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो ईजी वाला भी लगभग आपको हार्ड ही लगता है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो बीच का जो होल है, ये स्लॉट बना है बीच का, इसी पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। बाहरी फ्रंट साइड तो बना लेते हैं, टॉप बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारा अंदरूनी भाग बनाना होता है तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भरत है और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूँ, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये एफ मतलब फ्रंट व्यू हो गया, एस मतलब साइड व्यू हो गया, टी मतलब टॉप व्यू हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आपको इस जो होल है और डायमेंशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायमेंशंस भी दे दिया है कि ये जो हमारा 20 है, इसकी लंबाई 20 है और इसकी लंबाई, ठीक है, और जो हाइट हमारा 30 mm है और ये हमारा 20 है, यानी ये 20 होगा तो ये भी हमारा 20 होगा, और इसकी जो लेंथ है हमारा 15 mm है, तो ये भी हमारा 15 mm होगा, और इसकी जो अंदरूनी भाग का जो ग्रुप कटा हुआ है, जो होल है, वो हमारा 10 mm है, ये आर पार है। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, तो इसी को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हम थर्ड एंगल की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड एंगल की बात करते हैं, तो हमारा फ्रंट व्यू हमारा किस साइड है? राइट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ है। यह ध्यान रखिएगा, पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हमारा फ्रंट व्यू किस साइड में, अगर हम थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा थर्ड एंगल पर। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप ये हमारा एक समझ जाइए कि सूत्र है, आप इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजेंटल एक लाइन खींचेगा छोटा सा, और इसके बाद जो हमारा फ्रंट है राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में हमारा एफ यहाँ बनेगा नीचे की तरफ। अब हमारा साइड व्यू ठीक किसी के विपरीत में बनता है, साइड व्यू और टॉप व्यू हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा बनता है। तो ये हमारा थर्ड एंगल का छोटा सा सूत्र यानी फार्मूला कह सकते हैं। अब इसी के आधार पर हम उसको सॉल्व करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक में हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब हमारा दिया हुआ है, दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसका जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस को चेक करेंगे कि इतना डायमेंशंस हमारा दिया हुआ है। इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है 20 mm, और अब हाइट को हम जरूर देखेंगे। ये जो लंबाई आपको दिख रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, लेकिन आपको इस लंबाई या जो ये हाइट है, इसको आपको देखना है, इसको आपको नहीं देखना है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लंबाई, तो जाहिर सी बात है आप इतना आसान सवाल को भी गलत कर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है हमारा 20 mm है, हाइट हमारा 30 mm, दो चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा लाइन को खींचेंगे। चलिए हम स्केल को ले लेते हैं, ये हमारा टेम्परेरी स्केल है, आप स्केल से नापिएगा, ठीक है, 30 mm और 20 mm। तो हम पहले हाइट को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हाइट आप ले लीजिएगा, यहाँ से 5 mm और यहाँ से 5 mm नाप लीजिएगा। ठीक है, हम 5 mm या 10 mm ले लेते हैं, तो हम 10 mm ले लेते हैं और यहाँ से भी 10 mm, ये सारे हमारा 10 mm में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हाइट को नाप लेते हैं 30 mm, यहाँ पर ये हमारा जो हाइट है वो 30 mm है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि जो लेंथ हमारा 20 mm है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 20 mm नाप लेते हैं। ठीक है, हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ये हमारा 20 mm लेंथ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हाइट कितना है 30 mm है और 20 mm इसका हमारा लेंथ हो गया। अब हमारा क्या है कि इसका लेंथ, ये जो 20 mm दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 है तो ये भी हमारा 20 ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको भी 20 mm कर लेते हैं, ये हमारा 20 mm हो गया। ध्यान दे, बस डायमेंशंस को चेक करते हुए हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सारा आंसर यहाँ पर आइसोमेट्रिक में दिया होता है, बस आपको सॉल्व करने होते हैं, वही बनाने होते हैं ऑर्थोग्राफिक में। तो ये हमारा 20, ये 20, ये हमारा 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा
30 mm ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 mm को यहां से ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 30 mm ड्रा हो गया। अब हमारी बात आती है ये जो बीच की जो होल है, जो स्लॉट है, जो आर पार दिख रहा है, वो इसकी जो लेंथ है कितनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 10 mm दिया हुआ है। कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं लेंथ में, डायमेंशंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सारा कुछ दिया होता है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है, तो यानी हमारा 20 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी 5 mm यहाँ से कटा है, 5 mm यहाँ से छोड़ा गया है, तो जो बीच का लेंथ होगा हमारा 10 mm है। तो हम क्या करेंगे कि 5 mm यहाँ छोड़ेंगे, 5 mm यहाँ से छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 5 mm ये छोड़ेंगे, 5 mm ये छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी ये सारे जो सर्किल है, यानी जो ये खाली स्थान है, वो 5 mm में ही गैप छोड़ा गया है, चाहे यहाँ से 5 mm छोड़े, चाहे यहाँ से 5 mm छोड़े। ठीक है, तो ये 10 है, तो ये भी हमारा 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 5 mm नाप लेते हैं, तो आप स्केल से नाप लीजिएगा 5 mm। तो हम अपने टेम्परेरी स्केल से नाप लेते हैं, यहाँ से 5 mm और यहाँ से भी हम 5 mm नाप लेते हैं। आपको नीचे से और यहाँ से भी नापना है, यानी यहाँ से यहाँ नापना है और यहाँ से यहाँ 5 mm नापना है। नापने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। ठीक है, 5 mm यहाँ से नापेंगे। ठीक है, 5 mm यहाँ से हम नाप लेंगे, जहाँ पर बिंदु बनेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन को इस बिंदु में मिला देंगे। अब हमारा ये बिंदु बचा है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, 5 mm यहाँ से नापेंगे, 5 mm यहाँ से नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 mm यहाँ से नापेंगे, तो यहाँ आएगा बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू को देखेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर कोई भी ड्रॉ नहीं करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बस एक चीज़ लास्ट में आपको क्या करना है, डायमेंशंस देना है आपको, यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को दर्शा देना है एरो बना के। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर एरो बनाए तो आप कुछ इस तरीके से एरो बनाए। ठीक है, ये सीधी लाइन स्केल से खींचिएगा, और ये जो डायमेंशंस, कभी भी डायमेंशंस देने, कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी हम डायमेंशन देते हैं, तो जो एरो बनाते हैं ये इस तरीके से एरो कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नंबर काट लिए जाते हैं। हमें जब भी एरो बनाना चाहिए तो कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, ये हमारा गलत है। तो ये जो, ठीक है, ये हमारा डायमेंशन सही है। ठीक है, ये जो डायमेंशन है हमारा सही है। सेकेंड बात और है कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारा जो डायमेंशन होता है, जैसे यहाँ पर 20 mm दिया हुआ है, तो ये बहुत लोग करते हैं कि 20 mm ऊपर देने के बजाय ये नीचे 20 mm लिख देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, नीचे कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये ऊपर की तरफ ही रहता है। अगर हम डायमेंशन दे रहे हैं तो हमेशा जो 20 mm जो डायमेंशन देंगे हमेशा ऊपर की तरफ ही देंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नंबर कटेगा। अगर आप इस तरीके से खींच रहे हैं तो यहाँ पर भी नंबर कटेगा। ठीक है, तो इतना ही आपको पता चल गया, तो ये गलती आपको नहीं करना है एग्जाम में। तो हम 20 mm यहाँ पर देते हैं। अब यहाँ पर हाइट की बात करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरीके से लाइन को खींचेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी बहुत लोग गलती कर देते हैं कि इस तरफ दिखते हैं, लेकिन जो हमारा 30 है हमारा कुछ इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, ये हमारा 30 है, बस आपको ज़्यादा नहीं देना है। और यहाँ पर अंदर की तरफ हम इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पर एरो कर सकते हैं, ये हमारा 10 mm, बस इसके अधिक नहीं। चाहे तो यहाँ पर इसको आप नीचे की तरफ हम ले सकते हैं, यहाँ पर भी इसका डायमेंशन दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ पर आप दे दीजिए, दोनों ही सही है, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं इसका 10 mm है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा साइड व्यू, साइड व्यू हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे, तो सूत्र में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी लेंथ दी हुई है 20 दिया हुआ, यहाँ पर भी 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम इसको डेढ़ आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से 5 mm नाप लेंगे, जैसे यहाँ 5 mm नापे हैं तो यहाँ भी 5 mm नाप लेते हैं। तो इसी लाइन को डेढ़ करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 20 mm नाप लेते हैं। साइड व्यू की बात कर रहा हूँ, ये अब हमें बनाना है, ये भाग हमारा बन चुका है, अब हमें ये वाला भाग बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भाग बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 mm हो गया, तो इसकी हाइट हमारी कितनी है, 30 mm है, तो जो इसकी हाइट है हमारी 30 mm ही रहेगी, इसमें हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हाइट इसकी चेंज कर देते हैं
तो आपका जो साइड व्यू होगा गलत हो जाएगा, हमारा 20 mm हो गया। अब हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट हम देखते हैं वो किस साइड में है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हाइट भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ये वाला हाइट। कभी भी हम ये इस साइड को हम राइट हैंड साइड में नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 20 mm नाप लेते हैं, स्केल से नापना है, 30 mm यहाँ से नाप लेते हैं। यहाँ से 30 mm नापने के बाद अब हम क्या करते हैं इस वाले लाइन को, यानी ये वाला लाइन कितना है 15 mm है। ध्यान दीजिएगा पूरा 20 mm मत लीजिएगा, अगर ये 20 है तो ये 20 हमारा साइड व्यू में नहीं होगा, क्योंकि ये 20 है तो ये हमारा 15 है, यानी 5 20 में से 5 माइनस किया हुआ है, यानी 5 mm कम है। तो हम यहाँ से स्केल नापेंगे और 5 mm घटा के 15 mm यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से टेपर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टेपर में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये ग्रू हमें इस साइड में पता करना है कि ये जो ग्रू है हमें यहाँ पर दर्शाना है, तो साइड व्यू से हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं इसको हेडर लाइन से दर्शाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसी लाइन को हम यहाँ से डॉट डॉट करके लेते आएंगे और यहाँ से हम हेडर लाइन को दर्शा देंगे। ये जो लाइन होता है एक बराबर होता है, ये लाइन और ये लाइन टच होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसी को सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे, हम सेम प्रोसेस यही यहां पर भी करना है, ये लाइन टच होना चाहिए। अब हमें देखते हैं साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, ये हमारा 20 है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 30 है। तो आपको जिस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशन बताए थे कि आपको जो डायमेंशन देने हैं तो कहाँ किस तरीके से देने हैं, ये हमने बता दिया है। आप समझ जाइएगा कि ये हमारा 20 है, ये जो डायमेंशन हमारा 20 है, ये हमारा हाइट 30 है और ये हमारा 15 है, ठीक है। ये हमारा हेडर लाइन है, ये हमारा हेडर लाइन है, कुछ इस तरीके से दर्शाया, ठीक है। आप इसको भी चाहे तो यहाँ पर लाइन द्वारा आप दर्शा सकते हैं कि ये लाइन हमारी गई है। अब हमें हमारा क्या है, टॉप व्यू है। कभी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा फ्रंट और साइड और फ्रंट ही बनाने के लिए देता है कि हमें साइड और फ्रंट इस डायग्राम को बना के दिखाइए, कभी कभी टॉप नहीं देता है। तो आप साइड और फ्रंट ही बनाइएगा अगर दो पूछता है, अगर आप साइड टॉप व्यू भी पूछता है कि तीनों व्यू आप बना के दिखाइए, तो तीसरा हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू हमारा ठीक फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ है। अब टॉप व्यू में हम क्या देखेंगे कि 20 यहाँ पर दिया हुआ है और 15 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन गया हुआ है इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 5 mm यहाँ बिंदु लगाएंगे, ठीक इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर डैश डैश ले जाएंगे और 5 mm यहाँ पर लगाएंगे। इस लाइन को हम पूरा खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। अब हमारा दूसरा लाइन क्या है, 15 mm है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री कोण पर एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये 45 डिग्री कोण पर बनता है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हल्की रेखा यहां पर मिलाएंगे, इस लाइन को भी हल्की रेखा से यहां पर लाइन मिलाएंगे। जो ये बिंदु आया, ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम लेते हैं ए और बी। जो ए बी बिंदु दिख रहा है ये हमारा इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी हम इसको मैच करते हैं, अब इस लाइन को भी हम इस तरीके से मैच करते हैं, तब हल्के लाइन से, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि ये लाइन हमारा यहां पर बन रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से। अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, इसके बाद ये लाइन यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, हल्की लाइन से खींच देना है। इसको भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेंगे, इस लाइन से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये लाएंगे और यहाँ से इस लाइन लाएंगे, और ये वाला लाइन यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर हिडन लाइन जाएगा यहाँ से,
कुछ यहाँ तक हिडन लाइन जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ पर टच करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से हिडन लाइन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये हिडन लाइन है और ये इस तरीके से लाइन है। अब हमें क्या करना है, ये एरिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये हमारा टॉप व्यू कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हम चेक करेंगे कहीं भी कहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया और साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमारा टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमारा सब कुछ सही है, 20 है और ये अंदर का सही है। इसके बाद साइड व्यू की बात करते हैं तो साइड व्यू हमारा सही है। अगर हम टॉप व्यू की बात करते हैं, ये हमारा टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में हमें ये हमारा 15 है। ठीक है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 20 है। इसके बाद ये जो ऊपर से देखेंगे तो ये 15 है, ये जो 5 mm का जो आप देख रहे हैं तो ये हमें ऊपर की तरफ से दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ दिखेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।